हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर का एक नया बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग कराऊंगा ADCA कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन से, जो कि 1 ईयर का होता है। और जब मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा फ्रेंड्स, तो जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आपका कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर कोर्स करने के लिए क्लास की जो टाइमिंग है इवनिंग में 6 to 7, और कंप्यूटर कोर्स जो आपकी होगी जूम ऐप से होगी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ADCA में आपको क्या क्या कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, और इसको सीखने से फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का जितना भी काम होता है आप सारे काम आसानी से कर सकते हो। जैसे कोई भी ऑफिशियल काम करना हो, कंपनी में काम करना हो, या फिर डाटा एंट्री का कोई भी काम करना हो, इंटरनेट से काम करना हो, तो ये सारे काम आप बेसिक करने के बाद कर सकते हो। दूसरे नंबर पर मैं आपको सिखाऊंगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सीखने के बाद एक अकाउंट्स रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है, बिजनेस में परचेज सेल होता है, पेमेंट करना होता है, पेमेंट रिसीव करना होता है, या फिर कंपनी में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, वो सारे काम हम टेली सीखने के बाद कर सकते हैं। जैसे किसी मॉल में जाकर के बिलिंग का कोई भी काम करना हो, तो आसानी से आप अकाउंट करने के बाद आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैं आपको सिखाऊंगा DTP। DTP का जो फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन से, जो एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद कंप्यूटर से आपको कुछ भी डिजाइन करना हो आसानी से आप कर सकते हो। मार्केट में जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो फ्रेंड्स, जितने भी आपको डिजाइनिंग दिखाई देती है, जैसे कोई पंपलेट्स हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, या बैनर हो गया, या कोई बुक कवर हो गया, तो फ्रेंड्स ये सारे काम आप आसानी से कर सकते हो DTP करने के बाद। इस कोर्स में आपको डिजाइनिंग करना सिखाया जाता है कंप्यूटर से, कोई भी डिजाइनिंग कंप्यूटर से कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर मैं आपको सिखाऊंगा ADCA में वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग सीखने के बाद एक वेबसाइट डिजाइनिंग आपको करना हो तो आसानी से आप कर सकते हो, जिसमें आपको कोडिंग सीखना होता है, जैसे HTML, CSS, JavaScript। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 कोर्सेस है ये मैं आपको कराऊंगा ADCA के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इन सभी कोर्स की फीस की बात करता हूँ। इस कोर्स को करने के लिए आपको बाहर में कितना फीस पे करना पड़ता है किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट पर। देखिए, अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स कहीं से भी करते हैं तो इसका जो नॉर्मल चार्ज होता है 3000 रुपये। इसके बाद अगर आप कहीं से अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का एक नॉर्मल चार्ज होता है 4000 रुपये, तो टोटल कितने हो गए 7000। इसके बाद अगर आप कहीं DTP कोर्सेस करते हैं तो फ्रेंड्स, इसको सीखने में कम से कम आपको 7000 रुपये पे करना पड़ता है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। DTP कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर में आता है, तो फ्रेंड्स टोटल हो गए आपके 14000 रुपये। इसके बाद जो आपका वेब डिजाइनिंग होता है, जो मैं आपको कराऊंगा ADCA के अंदर, इसकी कितनी भी फीस कम होगी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कम से कम आपका 6000 रुपये तो लगता ही है, तो टोटल कोर्स की फीस जो हो गई 20000 रुपये। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए इन सभी कोर्स का जो फीस रखा है ओनली 200 पर मंथ के हिसाब से, आपको मंथली पे करना है 200 रुपये। और आप लोग की जो क्लासेस होगी मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में डेली। तो फ्रेंड्स, ये 4 कोर्स आते हैं ADCA के अंदर, और मैंने जो इसका नॉर्मल फीस रखा है ओनली 200 पर मंथ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, 200 में मैं आपको क्या क्या फैसिलिटी दूंगा वो भी सुन लीजिए। पहला है कंप्यूटर नोट्स, जो भी मैं आपको कराऊंगा फ्रेंड्स, उन सभी का कंप्यूटर नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। इसके बाद डेली जो भी आपकी क्लासेस होती है, तो क्लासेस करने के बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा डेली काम करने के लिए कंप्यूटर पर। तीसरा, असाइनमेंट देने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, किस तरीके से कंप्यूटर पे काम करते हैं। पहले आपको अच्छे से सीखना है, और आपको जितनी बार समझ में नहीं आएगा उतनी बार मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद मैं आपको दूंगा असाइनमेंट आपको कंप्यूटर पे बनाने के लिए। ये हो गई 3 फैसिलिटी। चौथी फैसिलिटी है, मैं आपको दूंगा अपना व्हाट्सअप नंबर, जिस पे आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप कंप्यूटर पे काम करेंगे, जहां भी आपको समझ में नहीं आता है, स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे ही आप मुझे सेंड करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा। पांचवी फैसिलिटी, मैं आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, जिससे आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। कंप्यूटर पे काम करते समय
अगर व्हाट्सएप से क्लियर नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट है, कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप मेरे से लाइफ टाइम तक जुड़े रह सकते हैं। जब भी आप कंप्यूटर पर काम करेंगे, अपने घर पे, कंपनी में या कहीं भी, तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और कभी भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। और फ्रेंड्स सातवीं फैसिलिटी जो है वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर कोर्स करने के बाद मैं आपको लास्ट में दूंगा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, जिसे आप प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी आपको देना हो आसानी से आप दे सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स पेमेंट आपको बाद में करना है, पहले आपको एक क्लास लेना है और फिर देखना है कि मैं आपको कंप्यूटर कोर्स कैसे कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप पेमेंट करना, अदरवाइज पेमेंट मत करना, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ऑनलाइन क्लासेस होती कैसे है। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर पे कैसे क्लासेस होगी ऑनलाइन, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप पेमेंट करना, अदरवाइज आप पेमेंट मत करना। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके फॉर्म पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।